स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। समचरण को नाम लगने तो बहुत देर हो जा रही, सात जगह जाने। तो मैं आपके बीच में कहना चाहती हूँ कि आपने जब से 2008 में मुझे विधायक बनाया, तमन्ना तो हर काम की जबी से थी, लेकिन मैं 10 साल आपने तो खूब भर भर के पेटी वोट दिए, मुझे खूब जिताया, लेकिन मैंने कोई काम नहीं कर पाया। क्यों? 10 साल बीजेपी की सरकार थी, मैं कांग्रेस में थी, इसलिए बिल्कुल विकास नहीं हुआ। हेडपंप लगाना, आरसीसी करना, ये कोई विकास नहीं होता। और जब 2018 में आप लोगों ने और अच्छे वोटों से मुझे जिताया, तो मेरे मन में तसल्ली आई कि अब सरकार बन गई, अब इस क्षेत्र का विकास इमरती देवी कर देगी। विकास के लिए मेरी तमन्ना रहती है हर वक्त। और जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस की और हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, आप समझ लो 1.5 साल में उनने हमारा सत्यानाश कर दिया। सही कह रही ईमानदारी से, एक हैंडपंप के लिए भी पैसे नहीं दिए, 2 रुपए नहीं दिए। हमारी दुश्मनी उनसे नहीं होती, लेकिन उनकी सिंधिया जी के हते हम ताके वजह से उनने कोई हमें काम ही नहीं दिया। आप हर गांव का व्यक्ति बता सकते हैं, 2-4 गांव हो सकते हैं ऐसे। 1.5 साल में हमने कही आगे चल के हमें चुनाव ही नहीं लड़ना, तो काय को घूमो। हम 1.5 साल में गांव में मैंने शकल नहीं बताई, किसी के गांव में नहीं गई। और नाता दादा बैठे, सब बैठे, चाहे भंडारे हो, कन्या हो रही हो, ब्याह हो रहा हो, फलदान हो रहा हो, जो बुलाता था वहां में जाती थी ठसक से। लेकिन विपक्ष में थी, नहीं कर पा रही, तो सबसे कह देते साहब हम क्या करें, विपक्ष में हम कर ही नहीं पा रहे। लेकिन सत्ता सरकार में बैठ के ये भाषा नहीं बोली जाती। जब महाराजा साहब टीकमगढ़ में बोले कि चिंता मत करो किसानों से, हम आपके साथ सड़क पर उतरेंगे, आप मुर्दाबाद कांग्रेस मत करो, तो मीडिया वाले ने जब पूछा कि तुम्हारे सिंधिया जी तो सड़क पे उतर रहे, कमलनाथ जी अब क्या करोगे, तो उनने बड़े ठसक में कह दे कि उतरने तो उतर जाओ। अब आप देख लो, सिंधिया जी सड़क पे उतरे तो उनके क्या कर्म होगा, सिंधिया जी को तो गद्दी मिल गई, लेकिन पूरी कांग्रेस सड़क पे आ गई। अब 2-3 बच्चे तो आपस में लड़ रहे। तो जब मैंने बीजेपी में पद ग्रहण किया और मैं मंत्री के पद बनने जा रही थी, तो सम्माननीय मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मंत्री जी, यहाँ जिला अध्यक्ष भी बैठे हमारे सामने बगल में, कि मुझे मंत्री बनाओ मत बनाओ, मेरी तरफ से एक और दूसरों बना दो, लेकिन मेरे डबरा विधानसभा में विकास की धार बहा दो, मेरे मुझे अपने क्षेत्र में विकास की जरूरत है। तो मैं आपको गिना नहीं सकती, 6 रोड़न को मैंने परसों भूमि पूजन किया और सबके काम चालू हो गए। और चिरली में भी 2.5 करोड़ के काम, मेन रोड से चिरली तक वो भी काम, ये दोनों ही काम मिला के ऐसे हमारे 7 करोड़ के काम है, उदलपाड़े से चिरली तक, रफातपुर तक। तो काम जब सरकार देती है, व्यक्ति देता है, तो एक प्रतिनिधि को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा शौक लगता है कि आज हमारे क्षेत्र में ये काम हो रहा हो। और दद्दा वे कह रहे थे मैं पूर्व सरपंच के देन न लगे, हमने अब उनसे कही पीडब्ल्यूडी वारन से कि भैया देन न लगे, कहा है हमें बता दो, आ जाओ हमारे सामने। और नादर आप कह दो बरसात है, हम क्या करें, लेकिन हमारी बरसात मत करा दियो। तो आपके सामने मैं ईमानदारी से कहना चाहती कि इमरती कभी झूठ नहीं बोलती, चाहे आपको मुंह पे बुरो लग जाए, जो कहने वो सच्ची सच्ची बात कहती। ये आ गए, आप अगर बरसात करोगे ना कि बरसात है, तो सारी जनता हमें बरसात कर देगी। और मेरी तमन्ना है इनका विकास कराना, रास्ता के अंदर काम शुरू हो जाएगा, पुलियों वगैरह का।
हाँ तो आप पुलिया बना और पुलिया जैसी बन जाए बरसात कम हो जाए तो आप डम्बर करा देना बाद में तो, लेकिन एक सप्ताह के अंदर मेरा काम चालू हो जाना चाहिए, मैं खुद देखने आऊंगी। और मैं लेकिन आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब उनपे एक बहाना है कि देखो सब पहले काहे नहीं कराओ, आप काहे करा रही काम, वोट आ गए तो काम करा रही। लेकिन आप बता दो पहले मुख्यमंत्री ने दाव नहीं तो हम तो घर से करा देते। तो अब मुख्यमंत्री ने हमें काम दिया है तो सारे क्षेत्र में चाहे पिछोर क्षेत्र की नहर हो और चाहे लदेरा का डैम हो, चाहे पिछोर की बड़ी तहसील हो, चाहे पिछोर में हमारा कॉलेज हो और चाहे डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो, 8वीं गांव में स्टेडियम और भगे में भी 1.5 करोड़ रूपये स्टेडियम पर में करके आई, वो भी काम चालू होगा कल से। तो आपको जो कहेंगे अरे काम क्या करा रही वे तो बिच गई, एक ही बात है और दूसरे हम पे आलक्षण नहीं लगा सकते, वे कछु भी कवा लेना यही कहेंगे कि वे तो बिच गई। आप बता दो अगर हम और कितने में कहते 50 करोड़ में कितने को होता 50 करोड़, हम तो बिंदी ही नहीं गिन पाएंगे कितने। तो ये झूठे इमरती देवी जिला पंचायत सदस्य लेके और आज तक ना तो बिकी है और ना बिकेगी, बिकी है तो अपने जनता के विकास के लिए बिकी है और बिकी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान के लिए बिकी है। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं सिंधिया जी का सम्मान करना चाहती हूँ तो अपनी जनता का मैं हर वक्त सम्मान करूंगी। ये तो आप ही जानते हो कि मुझे 15 साल आपके बीच में हो गई, चाहे व्यापारी दुकानदार अधिकारी कर्मचारी किसान भाई मेरे पे एक आलक्षण नहीं लगा सकते 15-20 साल में। मैं बिल्कुल निरपक्ष काम करती हूँ और आपके बीच में करती रहूंगी। और ये तो आपको 3 साल देखना, शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे इतना काम दिया है कि आप देखना कि डबरा इतना अच्छा बन जाएगा, सबसे अच्छा बनाऊंगी। धन्यवाद जय।